हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीए कौशल छाजेड़ आज आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिस पे डिस्कशन बहुत जरूरी हो गया है। आज जब बच्चे 10th से 11th में जाते हैं तो उन्हें तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो तुम्हें साइंस चूज करना है, या कॉमर्स चूज करना है, या आर्ट्स चूज करना है। जो बच्चे 10th से 11th में जाते वक्त साइंस चूज करते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं कि सर साइंस क्यों लेनी है। अगर आप उनसे पूछोगे कि तुम्हें साइंस क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट टू ऑप्ट फॉर साइंस, तो उनका बहुत ही सिंपल और क्लियर जवाब आपको मिलेगा कि सर मुझे साइंस पसंद है। चाहे वो फिजिक्स का बोले कि सर फिजिक्स पसंद है, चाहे उन्हें केमिस्ट्री पसंद हो, चाहे बायो पसंद हो, उन्हें कहीं ना कहीं साइंस में इंटरेस्ट है, तभी जाके उन्होंने साइंस को ऑप्ट किया है। आप जब आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पूछोगे कि आर्ट्स बेटा तूने क्यों लिया, तुझे आर्ट्स क्यों पसंद है, तो वो आपको ऑलमोस्ट बच्चे आर्ट्स में आपको ये रिप्लाई देंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना है। या तो वो कहेंगे कि सर मुझे लिटरेचर पढ़नी आगे, या वो कहेंगे मुझे राइटर बनना है, कोई कहेगा हो सकता है मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कोई कहेगा मुझे यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करने, कोई कहेगा मुझे सर स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में फाइट करना है, कोई कहेगा कि सर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह में जाना है। तो वहां पर आर्ट्स वाले बच्चे बहुत सॉर्टेड होते हैं, उन्हें पता है कि आर्ट्स क्यों लेनी चाहिए। फिर बच जाते हैं वो बच्चे जिन्हें ना तो साइंस पसंद है और जिन्हें आर्ट्स में जाने की दिलचस्पी है, वो बच्चे ले लेते हैं कॉमर्स। जब उन बच्चों से आप पूछोगे कि बेटा कॉमर्स क्यों ली, तो उनके कुछ जवाब आपको ऐसे सुनने को मिलेंगे कि सर साइंस नहीं पसंद इसलिए कॉमर्स ले ली, सर टीचर बोल रहा था हमारे को कि उन्होंने टीचर्स ने बोला था कि सर साइंस आपके लिए नहीं है, तुझे कॉमर्स लेनी चाहिए इसलिए ले ली मैंने, सर YouTube पे देखा है कि सर कॉमर्स लेंगे तो आगे हम लोगों को बहुत स्कोप मिलेगा, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं सर, ये इसलिए हम लोगों ने कॉमर्स ले ली। कुछ कहेंगे कि सर हमारे घर में जो जितने भी लोग हैं सबके लिए कॉमर्स ले रखी है, कॉमर्स एक बैकग्राउंड है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। कोई कहेगा कि सर मेरे रिलेटिव में भैया है, कोई दीदी है, उन्होंने कॉमर्स ली, वो सीए कर रहे हैं, उनका ऑल इंडिया रैंक आया है, इसलिए हम भी कॉमर्स ले रहे हैं। कोई कहेगा कि सर पता ही नहीं मुझे क्यों ले रहा हूं, बस मुझे ना तो साइंस चाहिए ना आर्ट्स चाहिए इसलिए मैंने कॉमर्स ले ली। साइंस वाला बच्चा सॉर्टेड है साहब, उससे पता है साइंस क्यों लेनी है। आर्ट्स वाले मोस्टली बच्चे सॉर्टेड होते हैं कि उन्हें आर्ट्स क्यों लेनी है। बच गए सर कॉमर्स वाले बच्चे। कॉमर्स के लिए जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि क्यों कॉमर्स लेनी चाहिए, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो जो भी मिलेंगे उसमें वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, वो आपको ये बताएंगे कि कॉमर्स में क्या मिलेगा। आप पूछ कुछ और रहे हो, वो बता कुछ और रहे। मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, मुझे लगा कि बच्चों को यह जानना जरूरी है कि उन्हें कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, व्हाई कॉमर्स, कॉमर्स लेने के पीछे क्या रीजन होना चाहिए कि वो कॉमर्स लें। तो मैंने क्या किया कि सर कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस डेवलप किए जिनकी हेल्प से कोई स्टूडेंट पता लगा पाएगा कि उसे कॉमर्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखें, हम डिस्कस करते हैं आगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, यहां पर मैं सारे क्वेश्चंस लिख नहीं पाया हूं, मैंने कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट कॉमर्स लेने की सोच रहा है, कॉमर्स में कंफ्यूज है, उसे खुद से पूछने हैं और बहुत अनबायस्ड होकर पूछ रहे हैं। अनबायस्ड होने का मतलब है दिमागों को थॉट नहीं लाना है कि टीचर ने क्या कहा, फ्रेंड्स ने क्या कहा, घर वाले क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक होके आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद से देना है। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है कि सर डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ओन एंटरप्राइज और स्टार्टअप। खुद से पूछिए कि क्या आपको कोई इंटरेस्ट है क्या फ्यूचर में खुद का बिजनेस लगाने में, खुद का कोई एंटरप्राइज बनाने में, खुद का कोई स्टार्टअप नॉन टेक्निकल जहां पर साइंस की जरूरत नहीं हो। अगर ऐसा कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस सेटअप करना फ्यूचर में आपका गोल है, आपको लगता है कि नहीं सर उस मेरे मिलने वालों ने किसी ने तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, वो मेरे लिए एक लीडर बन चुके हैं, मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूं, मुझे भी उनके जैसा बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने देखा है सर बिजनेस, मुझे पता नहीं क्यों बिजनेस बहुत मैं बहुत बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट आता है तो मुझे इसलिए बिजनेस करना है। तो ये चीजें अगर आप खुद से पूछोगे तो आपको इनके जवाब मिलेंगे। नेक्स्ट, खुद से पूछिए कि डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन अर्निंग प्रॉफिट बाय परचेज और सेल ऑफ एनीथिंग। खुद से पूछो कि क्या आपको इंटरेस्ट आएगा क्या कि सर अगर आप कुछ भी खरीद के बेचो और वहां से अगर आपको प्रॉफिट मिलता हो तो क्या आप ऐसी एक्टिविटीज करना चाहते हो क्या, क्या आपका इंटरेस्ट होगा क्या कि नहीं कुछ ऐसी चीजें खरीदूं बेचूं और मुझे प्रॉफिट मिलने लग जाए।
क्या आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है क्या? नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू टेक इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस और एनी इवेंट? खुद से पूछिए कि अगर आपको कोई कह दे कि किसी बिजनेस का कोई छोटा छोटा सा आपकी एक्टिविटी दे दे कि बेटा इसको मैनेज करना है, या आपको घर का कोई इवेंट चल रहा है, आपको बोल दे कि तुझे इस चीज को मैनेज करना है, तो क्या आप वहां पर इंडल्ज होगे क्या, इन्वॉल्व होगे क्या, क्या आप इंटरेस्टिंगली उस टास्क को पूरा करोगे या नहीं करोगे? एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपको आपके स्कूल में बोला गया कि आपको फेयरवेल करना है, फेयरवेल के लिए आपको सारे अरेंजमेंट करने, आपको बोल दिया कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं लीडर, आपको आप ही को सारा मैनेजमेंट करना है, क्या फंक्शंस होंगे, क्या कैसे प्रोग्राम होगा सारा, क्या खाना बनेगा, क्या हम लोग एक्टिव प्राइजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स हम लोग देने वाले हैं, ये सब आपको चूज करना है और आप ही को पूरा इवेंट मैनेज करना है, तो क्या आप उस एक्टिविटी को अच्छे से करोगे या नहीं करोगे, क्या आपका इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, वो चीज आपको खुद से पूछने की जरूरत है। एक और क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक इंटरेक्टिंग मोर विद पीपल? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मुझे लोगों के बारे में जानने की इच्छा है या लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को ये बताना कि हमारे थॉट्स क्या, हमारे व्यूज क्या है, क्या आपको लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, नहीं लगता है, ये खुद से पूछिए। नेक्स्ट, वुड यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन टॉक्स इन्वॉल्विंग न्यू बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैनेजमेंट एटसेट्रा? समझा देता हूं। मान लीजिए फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि सर आप कहीं बैठे हो, वहां 8-10 लोग हैं, वो लोग किसी न्यू प्रोडक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं या किसी नए बिजनेस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है किसी चीज के मैनेजमेंट से डिस्कशन चल रहा हो सकता है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए उस पर डिस्कशन चल रहा हो, या हो सकता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए उस पर डिस्कशन चल रहा हो, तो क्या उन डिस्कशन में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे, क्या आप उन डिस्कशंस को ध्यान से सुनोगे या नहीं सुनोगे, ये चीजें खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या कभी ऐसा कोई टॉपिक चलता है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं, उनके बीच में ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा है, तो क्या आप उस डिस्कशन में खुद को इन्वॉल्व करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स यू बॉट टू द मैन्युफैक्चरर और सेलर? कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए आपके मार्कर खरीदने गए, आपको लगा यार मार्कर 25 रुपए का मिल रहा है, ये मार्कर इस सेलर कंपनी को या जिस भी कंपनी ने मार्कर बनाया है, इस कंपनी को ये मार्कर कितने का पड़ा होगा, मैंने सेलर से खरीदा है, उस सेलर को ये मार्कर कितने में आया होगा, कितना ये लोग एक मार्कर पे प्रॉफिट कमाते होंगे, कितने मार्कर दिन के बनाते होंगे, कितने मार्कर इनके सेल होते होंगे, क्या कभी आपके दिमाग में ऐसी कोई चीजें आई है कि क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे ये लोग, कितना प्रॉफिट कमाते होंगे डेली, कितने मार्कर्स बेचते होंगे, क्या आपको किसी भी प्रोडक्ट को लेके कभी ऐसी कोई थिंकिंग डेवलप हुई है? नेक्स्ट, डू यू हैव एवर थॉट ऑफ कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ अ शॉप इन योर एरिया, न्यूली ओपन कैफे, योर स्कूल एटसेट्रा? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि यार हमारे कॉलोनी में जो शॉप बहुत अच्छी चलती है, बहुत कस्टमर्स आते हैं उसके पास में, वो शॉप कितना कमाती होगी, उस शॉप की अर्निंग कितनी होगी, या आपके सिटी में कोई नया कैफे ओपन हुआ, वो नया कैफे बहुत अच्छा चल रहा है, क्या आपने कभी ये सोचा कि नया कैफे का प्रॉफिट कितना होगा, कितना कमाता होगा, कितना उसका खर्चा आ रहा होगा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि स्कूल कितना पैसा कमा रही है, स्कूल वालों को इनकम कितनी हो रही होगी, कितना पैसा मिलता है, कितना खर्चा आता होगा स्कूल वालों को, ये बहुत से बच्चे सोचते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत से कॉमर्स के बच्चों से इंटरेक्शन किया है, मैं खुद कॉमर्स पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं, इवन वो बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं, अपने पापा के बिजनेस के बारे में सोचते हैं, आसपास की शॉप्स के बारे में सोचते हैं कि सर वो कितना कमाता होगा, पास में कोई स्टॉल वाला है, पानी पताशे वाला है, कोई फास्ट फूड वाला है, उसके बारे में सोचते हैं कि सर इसके कितने कस्टमर्स डेली आते होंगे, कितना पैसा कमाता है ये, क्या ऐसी थिंकिंग कभी आपकी रही है क्या? नेक्स्ट, डू यू फाइंड एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट बजट, टैक्स पॉलिसीज, इकोनॉमिकल कंडीशंस एटसेट्रा? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि नहीं यार, ये गवर्नमेंट बजट जो आता है, जब बजट बनता है तो मुझे इसको सुनने में इंटरेस्ट आया हो, या जो भी टैक्स वगैरह की बातें चलती है, क्या आपको कभी लगा कि मुझे इंटरेस्ट है यार, ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे टैक्स लगता है, कैसे टैक्स पे किया जाता है, या कभी आपको लगा है कि इकोनॉमी की जो सिचुएशंस है उनको कैसे बेटर किया जाए? आपके 9th-10th में इकोनॉमिक्स आती है थोड़ी बहुत, तो क्या कभी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ है क्या? इसी तरह के बहुत क्वेश्चंस बनाए मैंने,
आपको करना क्या है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक गूगल का फॉर्म का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ध्यान से सुनना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आपको अपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फिलअप करने हैं, या तो यस या नो। जितने वहां पे क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर्स फिलअप करने हैं, वो सारे आंसर्स आप फिलअप कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा, पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा कि क्या कॉमर्स आपके लिए सही है, क्या कॉमर्स आपको चूज करनी चाहिए, और क्या कॉमर्स, अगर आप मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कॉमर्स बेटर नहीं है तो और क्या बेटर ऑप्शन है, मैं उस पर आपसे बात करूंगा। आज के टाइम में हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है, खासकर मैं बात करूंगा टीचर्स के लिए, हम टीचर्स के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस दें कि उसे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कॉमर्स क्यों करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि मैम व्हाई शुड आई चूज कॉमर्स, कि सर व्हाई शुड आई चूज कॉमर्स, तो हम उसे प्रॉपर गाइडेंस दे सके। हम उसे ये ना कहें कि बेटा कॉमर्स में स्कोप ज्यादा है, सीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो। सर वो भी बच्चा 10th क्लास में है, उसे नहीं पता सीए का काम क्या है, एमबीए का काम क्या है, उसे नहीं पता बैंकिंग में क्या होता है। उसे कुछ ऐसी चीजें बताइए जिसे उसे लगे कि नहीं हाँ कॉमर्स उसके लिए है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी दोस्तों से, जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, जो भी टीचर्स वगैरह देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि व्हाई शुड आई टेक कॉमर्स, तो उसे कॉमर्स का स्कोप मत बताइए, उसे बताइए कि उसे कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, उसे फॉर्म फिल करने के लिए दीजिए, उसे क्या लगता है, उसके जो आंसर्स हैं उसको कहिए कि अनबायस्ड तरीके से फॉर्म फिल करें। जब वो फॉर्म फिल करेगा मैं उसे खुद बताऊंगा कि उसके लिए कॉमर्स बेटर है या नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों से अब मैं अलविदा लेता हूं। होप आप सभी लोगों को इनमें से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स गिवन है, मुझे कॉल करके क्वेश्चन का जान सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।